अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ ट्राउज़र का बिल्कुल सिंपल बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूँगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने अपने पैंचे के नीचे इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर लिया है। इस बुकरम की लेंथ इस तरह से 9 इंच है, 9 इंच की मैंने बुकरम पेस्ट की है। अब इसको इस तरह से हम डबल करेंगे अपने पैंचे को डबल करके यहाँ पर हम चौड़ाई की साइड पर मार्क करेंगे 6 इंच पर, और लेंथ के लिए हम मार्क करेंगे 8 इंच पर। ये देखें, इस तरह से मार्क करने के बाद दोनों मार्क को हम मिला लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये जो अंदर से फैब्रिक निकलेगा ये हम रख लेंगे, ये हमारे बाद में काम आएगा, इस पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम हल्का सा, ये देखें, गुलाई करेंगे। यहाँ पर गुलाई करके इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसको खोल कर पाइपिंग के लिए ये मैंने उरेब फैब्रिक लिया है। ये देखें, उरेब है ये। इस पाइपिंग को हम पैंचे के नीचे यहाँ पर रख कर इस तरह से स्टिच करेंगे। बुकरम के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे ऐसे। इस तरह से पाइपिंग को मैंने स्टिच कर लिया है। अब पाइपिंग को हम नीचे वाली साइड पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से जो ये वाला फैब्रिक होगा उसको भी हम ऐसे डबल कर लेंगे और फिर यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें ऐसे, यहाँ पर जो हमारा ये कॉर्नर होगा वहाँ पर कट लगा लेंगे। इस तरह से मैंने पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। नीचे से हम यहाँ पर हैंड स्टिच कर लेंगे पाइपिंग को यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो ट्राउज़र के अंदर से कटिंग करते हुए हमारा फैब्रिक निकला था ये वो वाला फैब्रिक है, इस पर ये मैं पाइपिंग को स्टिच करूँगी। 1.5 इंच चौड़ा ये मैंने फैब्रिक लिया है। ये देखें, इस तरह से इसको डबल करके यहाँ पर रख कर स्टिच करेंगे इस तरह से। इसको स्टिच करने के बाद अब इस पाइपिंग को हम रॉन्ग साइड पर ऐसे, ये देखें, फोल्ड करके अब यहाँ से स्टिच कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से मैंने पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद ये मैंने चकोर फैब्रिक लिए हैं, इनकी लेंथ और विड्थ सेम ही है, 2-2 इंच। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके इनका ट्रायंगल बनाकर इनको नीचे से हम स्टिच कर लेंगे ऐसे। मैंने काफ़ी सारे ट्रायंगल्स को रेडी कर लिया है। अब इनको रेडी करने के बाद ये वाला फैब्रिक लेंगे, पाइपिंग के ऊपर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच स्टेप के गैप पर, मतलब 1.5 इंच पर। अब इसके ऊपर हम मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। अब इसके ऊपर दोबारा से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखें ऐसे, मार्क करने के बाद 1.5 इंच के गैप पर मैंने इस तरह से लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। अब लाइन्स ड्रॉ करने के बाद इसको हम डबल करेंगे, ये इसका सेंटर है। अब ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल्स को हम ये जो मैंने लाइन्स ड्रॉ की हैं इन लाइन के ऊपर रख कर ऐसे स्टिच कर लेंगे। जैसे मैं इस साइड पर स्टिच करूँगी सेम इसी तरह से हम ट्राइंगल्स को दूसरी साइड पर भी स्टिच कर लेंगे ऐसे। मैंने एक लाइन पर मैंने ट्राइंगल्स को स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से इसके ऊपर हम ये देखें यहाँ पर ट्राइंगल्स को स्टिच करेंगे इस तरह से रख कर। पहले हम इनको रख लेंगे फिर बाद में हम इसको स्टिच कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पर देखें, जितनी भी मैंने लाइन्स ड्रॉ की थी सबके ऊपर मैंने ट्राइंगल्स को स्टिच कर लिया है। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है 1 इंच चौड़ा, इस फैब्रिक को हम ऐसे डबल करके इसकी पट्टी बनाएंगे और इस पट्टी को हम ये जो ट्राइंगल्स की सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं इन ट्राइंगल्स के ऊपर यहाँ पर रखकर स्टिच कर देंगे ताकि ये सिलाइयाँ कवर हो जाएं हमारी। ये देखें ऐसे। सेम इसी तरह से हम ऊपर भी इन पट्टियों को, इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे। ये देखें, मैंने सारी पट्टियों को स्टिच करके कवर कर लिया है सिलाइयों को। अब इसके बाद ये मैंने अपना पैंचा लिया है, पैंचे के सेंटर में ये जो मैंने निकाला था फैब्रिक ये वही वाला फैब्रिक है। इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे और फिर हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें,
इस तरह से पांचों को रेडी करने के बाद मैंने सारे ट्रायंगल्स पर पर्ल्स को भी हैंड स्टिच कर लिया है। देखें बिल्कुल सिंपल सा मेरा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।